पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी खुलासा हुआ है। नवी मुंबई के एसीपी विशाल येउल का बयान सामने आया है, धारदार हथियार से कई बार किए गए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जो है वो लगातार तेजी से हो रही है, पुलिस के हाथ में कई अहम सुराग लगे हैं, आरोपी को पकड़ने की लगातार कोशिशें जो है वो यहाँ पर तेजी से की जा रही है। नवी मुंबई के सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये जानना चाहूंगा क्या ऐसी कोई बात का शक है कि जो आरोपी है जब वो जेल में था 5 साल तब से ही वो ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा था कि वो बाहर निकलेगा और वो बदला लेगा? नहीं, अभी तक तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा वो सामने रिवील होगा। फिर सर पोस्टमार्टम में क्या क्या खुलासा हुआ कि कितने जख्म के निशान जो है वो शरीर पर है, कितने वार किए गए? नहीं, वैसे तो आपको हम इतना सारा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन कुछ वार किए गए हैं। और ये धारदार हथियार से किए? हाँ, धारदार हथियार से। सर जब लाश मिली तो वो बहुत ही भयानक कंडीशन में थी, इतनी विभत्स घटना हुई है कि कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कोई हैवान या दानव ऐसा काम कर सकता है, तो जब लाश मिली तो क्या वो पहचानने की सिचुएशन में नहीं थी कि उसे पहचाना जा सकती थी? लेकिन अब मैं इन्वेस्टिगेशन जब की जारी है सब आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उससे आगे कुछ लीक हो सकती है। लेकिन कुछ अहम सुराग जो है दाऊद शेख के बारे में वो पुलिस को हाथ लगे? मैं वो नहीं बता सकता अभी। लेकिन उसी ने हत्या की है, इसको लेकर के पुलिस का शक जो है वो उसी पर है, दाऊद शेख? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में।